आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। अभी तुम भी ना। अच्छा, तुम्हारे बैंक का काम हुआ कि नहीं हुआ? तक शुरू नहीं हुआ, वैसे कोशिश कर रहा हूँ मैं, जल्दी हो जाएगा। अपना बिजनेस अगले महीने से चालू हो जाएगा। ठीक है। हेलो, लोन 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 के लिए? अच्छा, ठीक ठीक सर, मैं आज की फ्लाइट पकड़ के आ जाता हूँ मैं। ठीक ठीक सर, ठीक, ओके ओके ओके। क्या हुआ? मुझे मेरा लोन और बिजनेस पार्टनर दोनों मिल गए हैं। मेरे कपड़े जल्दी से पैक कर दो, मुझे आज ही निकलना पड़ेगा, ओके। आज ही। बहुत अर्जेंट में जाना है। जाना तो है ही, बिजनेस मीटिंग है। चिंता मत करो, जल्दी आ जाऊंगा। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, लेकिन काम है तो जाना ही पड़ेगा बिजनेस मीटिंग के लिए। अकेले परेशान तो नहीं होगी तुम? नहीं, मेरा टेंशन मत लेना। ओके, मेरा टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। तुम अपने काम पे फोकस करो। ठीक। वैसे भी सपना आंटी का बेटा, अच्छा, वो कल से यहाँ ट्यूशन के लिए आ रहा है। तो अच्छी बात है। तो मैं उसे पढ़ाने में बिजी हो जाऊंगी। और बाकी फोन है ना, 24 घंटे मैं तुम्हारी फोन पे खबर लेती रहूंगी। ठीक है बाबा, मैं जाऊँ क्योंकि लेट होगा। हाँ, बैग दे दो मेरा। चलिए। हाँ, ओके। अरे बिट्टू, तुम नमस्ते भाभी। लैपटॉप लाए हो? हाँ, अंदर आ जाओ। आओ, तुम यहाँ बैठो, मैंने बाहर कुछ कपड़े रखे हैं, वो लेकर आती हूँ। ठीक है? बिट्टू, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, भाभी, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे सिर्फ पढ़ा दीजिए। ठीक है। हाँ तो बिट्टू, अपना लैपटॉप खोलो। हाँ बिट्टू, जब गर्ल्स और बॉयज 16 और 18 के एज में होते हैं ना, तो उनके अंदर हॉर्मोन्स चेंज हो जाते हैं और दोनों को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है और उसके बाद प्यार की शुरुआत होती है। समझ में आया मैं क्या समझा रही हूँ? जी भाभी। ओके, आज के लिए बिट्टू इतना ही। कल मॉर्निंग में ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में मैं तुम्हें समझाऊंगी। जी भाभी। ठीक है भाभी, कल मैं जरूर टाइम से आ जाऊंगा। ओके। अच्छा भाभी जी, नमस्ते।
मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अभी अभी जस्ट आया हूँ। दरवाजा खुला था, सीधा मैं अंदर आ गया। सॉरी, मुझे नॉक करके आना था। कोई बात नहीं, अच्छा चलो पढ़ाती हूँ। बिट्टू? जी भाभी। ध्यान कहाँ है? जब मेल फीमेल जब बेबीज बॉर्न होते हैं ना, तो उनके अस्तन बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, दोनों में बदलाव आना स्टार्ट हो जाता है। गर्ल का चेस्ट बॉय के चेस्ट से बड़े होते हैं, क्योंकि वो नेचुरल होता है। बॉय का चेस्ट एक थिनर बॉडी है जो टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है, वो इतना तेजी से विकास नहीं करता। पर गर्ल्स का चेस्ट बहुत तेजी से विकास करता है। देखो इसे गौर से। वो तो दिख रहा है। क्या बोले? नहीं कुछ नहीं भाभी। ह्यूमन बॉडी पार्ट काफी नाजुक और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, जैसे हेड, फुट, टीथ, ये सब काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जबकि गला, पेट और प्राइवेट पार्ट्स बहुत ही नाजुक होते हैं, थोड़ी सी भी चोट जान निकाल देती है। तुम बस मुस्कुरा ही रहे हो या समझ में भी आ रहा है? हमें सब समझ में आ रहा है भाभी। ओके। कहाँ खो गए हो? पढ़ाई करनी है कि नहीं? भाभी एक बात पूछूं? हाँ। आपकी शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? मेरी शादी में तुमको क्यों इंटरेस्ट है? बताओ तो सही, लव मैरिज किया था आपने? नहीं, हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। हाँ मुझे भी लगा था कि आपकी अरेंज मैरिज हुई है। हाँ क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की अमन भैया से तो पटी नहीं सकती। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? खूबसूरत लड़कियाँ तुम्हारे भैया से नहीं पट सकती? मैंने ट्राई किया है, जो खूबसूरत होती हैं वो जल्दी नहीं पड़ती। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को पाने के लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हें जिस चीज को पाना होता है ना, उसके लिए जी जान लगाकर फोकस करना पड़ता है, समझे? हाँ समझ गया, मैं भी अब जान लगा के फोकस करूँगा। और बताओ बिट्टू, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? नहीं भाभी, अभी तो पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूँ। वैसे भी हम लोगों को गर्लफ्रेंड कहाँ पटेगी। क्यों, तुम्हें ऐसी क्या कमी है? अच्छी बात है, ये सब छोड़ो। ओके, पढ़ाई पे फोकस करो। मैंने बताया था ना, इस एज में हॉर्मोन्स चेंज होते हैं।
अरे छोटू, कैसा है तू? मैं तो भैया ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस सब बढ़िया एकदम। कब आए? बस मॉर्निंग में आया। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है भैया। आओ आओ। बिट्टू, आज मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, मैं कल आता हूँ। बाय भाभी। माया, एक काम करो, फटाफट तैयार हो जाओ, हमें मार्केट चलना है। न जाने आप में ऐसा क्या है कि आपको छूने को मन करता है, पर मैं जानता हूं कि आपको पाना इतना आसान नहीं। आपको पाने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। माया भाभी, आपको आज मेरे पास आना ही पड़ेगा, वरना मैं आपके जिंदगी में ऐसा तूफान लाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। आज मैं जी भर के मजे करूंगा, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। अब आएगा मजा, क्योंकि तुम प्यार से मानने वाली चीज नहीं हो। गलती तुम्हारी है, तुमने अपनी मायावी रूप से मेरे अंदर कम उम्र में ही जवानी वाली फीलिंग ला दी।
मुझे मालूम था मैडम कि आप जरूर मुझसे मिलने आओगी। बिट्टू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम जो कर रहे हो ना ये गलत है। मैंने सुना है इस कौर जंग में सब जायज है, वैसे किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात भी वो चीज हासिल करने में मदद करती है। बिट्टू प्लीज, मैं तुमसे इसलिए मिलने आई हूँ ताकि तुम ये वीडियोस और फोटोज डिलीट कर दो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। भाभी मैं भी तो आपको यही समझा रहा हूँ कि मेरी एक छोटी सी गलती से आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसलिए मैं बोलता हूँ मान जाओ। रही बात फोटो और डिलीट की, तो आप लंगड़े से बैसाखी तोड़ने की बात कर रही हो। मुझे पता है आप मेरे खातिर नहीं इस वीडियो खातिर आई हो। मैं इतना पागल नहीं हूं कि इतनी आसानी से ये वीडियो डिलीट मार दूं। तुम चाहते क्या हो? आपके इस होंठ और जिस्म का स्वाद चखना चाहता हूं। प्लीज मुझे अपने हुस्न के सागर में डूब जाने दो। पर ये बताओ तुमने ये वीडियो कैसे शूट किया? मैंने कहा था ना, खूबसूरत लड़कियां जल्दी किसी से नहीं पटती, उन्हें प्लान करके फंसाया जाता है, और मैंने भी प्लान किया और आपके घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाया और आपकी फोटो और वीडियो निकाला। ठीक है, अब तुम इसे डिलीट मार दो वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। भाभी मैं देखने में बच्चा जरूर हूँ पर दिमाग मेरा शैतान का है। वीडियो और फोटो अमन भैया के पास पहुँच गया ना, आपको घर से धक्का मार के निकाल देंगे, और आप कभी ये नहीं चाहोगे कि तुम मुझे खुश करो और मैं मुंह। साले तेरी इतनी हिम्मत मेरी बीवी के ऊपर हाथ डालने की? हाँ? तुम्हारे बीवी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा, तुम्हारी बीवी मेरे साथ कितनी बार सो चुकी है, वरना पूछो तुम्हारी बीवी मेरे साथ गार्डन में मिलने क्यों आई थी। क्या हुआ, शॉट लग गया क्या? ये देखो, अमन ये सब झूठ है, ये सब नाटक कर रहा है। प्लीज अमन, मुझे कुछ भी नहीं पता है, तुम्हारी कसम अमन मैं गलत नहीं हूँ, ट्रस्ट मी। अगर गलत नहीं है तो इतनी रात मेरे साथ कर रही है और मेरे सीने पे हाथ रखकर रात भर सोती है? जब तुम्हारा पति घर पे नहीं था तो तुम्हारी जरूरत मैंने पूरा किया है। माया ये सब क्या है? अगर तुम सच्ची हो तो इतनी रात में क्या कर रही हो? तुमने अपना हाथ इसके सीने पर रख के सोया है? नहीं अमन ये सब झूठ है, ये फंसा रहा है मुझे। प्लीज अमन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अमन प्लीज ट्रस्ट मी। भाभी जी अब तो सच बोलो भैया को, क्यों मजाक कर रही हो? मैं जानती थी तू हवस में पागल हो चुका है, मैं अपनी बेगुनाही की सबूत लेने तेरे पास आई थी। ये रहा सबूत, अमन सुनो इसे। और मैंने भी प्लान किया और आपके घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाया और आपकी फोटो और वीडियो निकाला। मैं यहाँ तेरे से मिलने नहीं अपनी बेगुनाही की सबूत लेने आई थी, क्योंकि जो लड़की किसी लड़के के सामने एक बार झुक जाती है ना वो जिंदगी भर कभी नहीं उठ पाती। साले तुम जैसे लोगों की वजह से रिश्ता बदनाम होता है,
पति पत्नी के बीच में दरार डालने की कोशिश की। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं।